हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग ना वट सावित्री वाले दिन का ही है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो ये दो दिन का मिक्स है, ये दूसरे दिन की थोड़ी सी क्लिप है और वट सावित्री वाले दिन की भी। मैंने आन्या का किया था न्यू ईयर कट, वो देखिएगा। और वट सावित्री वाले दिन जो शाम से क्या तुरंत ही बाद एक व्लॉग स्टार्ट किया था वो है। तो ये देखिए, कपड़े वपड़े साड़ी वड़ी चेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी ज्वेलरी नहीं उतारी है और छोले मैंने सोचा चढ़ा दें उबलने के लिए। तो मैंने छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी उस दिन, बूंदी का रायता और राइस इतना बनाया था, हाँ सिवई भी बनाई थी। तो ये मैं जो है छोले उबालने के लिए रख रही हूँ। और उसके बाद फिर व्लॉग ना कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा मैं जल गई थी ना, तो वो बहुत मेरे जलन सी हो रही थी, तो इस वजह से फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं मैं कर पाई। तभी ये दो दिन का मिक्स हो गया और ये मैं नमक डाल के इसको चढ़ा देती हूँ छोले को। वरना मैंने सोचा था कि पूरा लंच रूटीन आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत मेरे हाथ में जलन हो रही थी। मुझे लगा मैं हल्का जली हूँ, लेकिन ज़्यादा जल गई थी मैं। तो ये कुकर पे चढ़ा दिए छोले उबलने के लिए और चलते हैं रूम। रूम में देखें आन्या क्या कर रही है। आन्या की चल रही है क्लास। मैथ का क्लास हो रहा है आन्या का। सो फ्रेंड्स, पूजा का व्लॉग अभी अभी एंड किया है उसका, और पूरी खा रहे थे प्रसाद वाली, क्योंकि भूख लगी, चाय पी ली, लेकिन उसके साथ कुछ खाया नहीं था। आन्या का इधर चल रहा है क्लास। और अभी ना घर मतलब क्लीनिंग कुछ नहीं करी, तो सोच रहे हैं बस ऐसे ही थोड़ा सा बिस्तर वगैरह झाड़ के और हल्की सी झाड़ू लगा देंगे या फिर आन्या लगा देगी। तो मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, पूजा वाला एंड कर दिया, क्योंकि पूजा वाले में अगर ये इंक्लूड करते तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। पूड़ी बनेंगी आज के दिन, तो मैंने छोला भी गोया था रात में, छोला उबालने के लिए रख दिया, और बूंदी का रायता बनाऊंगी और पूड़ी और राइस, ये आज का लंच रहेगा। तो वही उसी की बस तैयारी कर रहे हैं, छोला चढ़ा दिया है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे, क्योंकि आने का यहाँ पर क्लास हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। मेरे हेयर कट कर दिया इतने छोटे छोटे से, और फिर मेरी बुआ ने कहा था कि जो है छोटे छोटे से हेयर कट करवा लो, और मैंने अपनी मामी को भी भेजा और बुआ को भी भेजा और दादी बुआ को भी भेजा। कभी कहीं कहीं थोड़े थोड़े रह गए हमें, तो वो अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं, अभी बहुत तेज से बारिश हो रही है इसलिए। इसने ना इतना ज़्यादा हिलाया था तो उसकी वजह से रह गए। मैं इतना हंस रही थी, बहुत हंस रही थी, मम्मा बस करो मम्मा बस करो, लेकिन हम पकड़ के मैंने इसके खूब छोटे हेयर इसलिए कर दिए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और फिर ये अपने आप से चोटी वोटी नहीं कर पाती है ना, तो पीछे के हर समय उलझे रहते थे बाल। हाँ, वो बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर उलझ भी जाते हैं, इसलिए मेरे पास क्लास भी रहता है इसलिए टाइम ही नहीं रहता। अभी तो हम लोग जाएंगे, बारिश हो रही है, बारिश में हम लोग नहाएंगे और फिर उसके बाद पापा गए बाहर नहाने, मम्मा मेरे नहीं। अभी वो नहाओगी तो सब सही हो जाएंगे ना, जो छोटे बड़े लग रहे थे उनको भी तो बराबर कर देना। पता है फ्रेंड, ये इतना ज्यादा हिला रही थी, इतना ज्यादा हिल रही थी कि मुझे वहीं पे लग रहे थे छोटे बड़े, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और सो गए थे। तो अभी जब सूख गए ना, अभी जब झाड़े तब ऐसे पीछे घूम, और पीछे से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ब्लेंड कट मैं भी कटवाती थी जब छोटी थी, तो आज मैंने वही वाली कटिंग करी है। देखिए ना, थोड़े मेरे से घर पहले भी छोटे बाल थे ना। अब ये कि सुबह सुबह क्लास होता है बहुत जल्दी, और उस टाइम इनका भी ऑफिस जाने का टाइम होता है, तब ये मेरे पीछे पड़ती, मम्मा जल्दी से चोटी कर दो मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो ये अपने आप जल्दी से झाड़ी, हेयर बैंड लगाई और अपना क्लास अटेंड कर ली। हाँ, और वैसे तो मैं कर लेती थी, लेकिन जब स्कूल जाती थी तो मम्मा से ही करवाती थी। तो बिल्कुल इसका लुक चेंज हो गया है और काफी छोटे मैंने कर दिए, और बाकी स्कूल खुलेगा तब तक बड़े हो जाएंगे, और ठीक भी है इतने छोटे सही लग रहे हैं, इतने छोटे सही लग रहे हैं। बस ये कभी कभी सूट वूट पहन लेती थी डांस के क्लास में, तो सूट में कम अच्छे लगेंगे, जीन्स टॉप या स्कर्ट टॉप पे ज्यादा अच्छे लगेंगे। पहना तो था।
तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग छत पे। प्रिंसेस नहीं थी वैसी है क्या लग रही है ना उसी के जैसे आपने हरकत। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, बहुत अच्छा आज का वेदर है ऊपर और वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे और थोड़ी देर ये वहाँ पे टहलेगी। नहीं मैं नहाऊंगी। नहाने वाला पानी नहीं बरस रहा, हल्की सी फुहार जैसे हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वही हम लोग छत पे जाएंगे थोड़ी देर, वहाँ पे ये अपना खेलेगी और हम भी थोड़ा टहलेंगे। उसके बाद बताइएगा कि मेरे ऊपर हेयरकट कैसा लग रहा है। और सुबह का व्लॉग ना, अभी सुबह क्या कल से एक व्लॉग स्टार्ट कर रखा था, उसको फिर आज उसका उसको एंड किया उसका, क्योंकि कल मेरी सिस्टर लाई हुई थी तो हम लोगों ने गोलगप्पे पार्टी करी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अचार का भी शूट किया था, वो दिखाया, वो सब दिखा के फिर रात में कुछ नहीं दिखा पाया तो वो सुबह उसका एंड किया और इस टाइम दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं और अन्य का न्यू हेयर कट कैसा लगा। तो इधर से भी हमने थोड़े से और करने हैं, हमको हल्का सा बराबर हल्का सा कोई कोई सा दिख रहा है ना वो कर दें, बाकी पीछे से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक प्रिंसेस होती ये देखिए पीछे से ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब मैंने सोचा था कि मैं टहलूंगी लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है तो ये ज़्यादा ना भीगो अन्य, भीग रही है अन्य कितने दिन, लेकिन ज़्यादा मत नहाना अन्य है, थोड़ा तेज करते तेज आ। अब उधर तो लेके जा नहीं सकते छूट कर, काफी तेज बरस रहा है। आइए आइए मैं ले जाती हूँ। अच्छा फोन भीग जाएगा दिखाते हैं अन्य। सो फ्रेंड्स ऊपर से ना फिर हम लोग आ गए थे नीचे, ज़्यादा नहीं छूट किया, इतनी तेज़ बारिश की पूरी अंदर तक बौछार आने लगी और मैं भी बहुत भीग गई थी, मेरा सूट वूट नीचे पूरा भीग गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे ही चलते क्योंकि डिनर भी बनाना है। तो ये ना एक दिन दीदी से फ़ोन पे बात हो रही थी तो दीदी ने बताया था कि मैं इस तरीके से मंगा लेती हूँ गोलगप्पे तलने वाले, तो मैंने ये कभी नहीं खाए तो वही दीदी ने अन्य के लिए भिजवाए थे। तो अभी एक दिन पहले ही हम लोगों ने खाया तो मन नहीं था तो ये बस ट्रायल के लिए थोड़े से तले थे कि देखें कैसे ये फूलते हैं, और बहुत थोड़ी सी मटर रखी थी और थोड़ा सा पानी रखा था तो अन्य ने इसको खाए थे। अन्य ने बोला मम्मा थोड़े से तल के देखिए फिर किसी दिन बनाइएगा, तो वही मैं इसको तल रही हूँ। तो बहुत अच्छे से फूल जा रहे थे, बस ये है कि बहुत इसको तेज़ आँच में नहीं भूनना है, मीडियम टू लो रखना है, तो बहुत अच्छे से फूल जा रहे थे। तीन मेरे नहीं फूले ख़राब हो गए थे क्योंकि मुझे लगा शायद तेज़ आँच में फूलेंगे तो वो तीन जल गए थे, अभी दिखाऊँगी मैं आपको। और ये देखिए ये फिर मीडियम टू लो रखा है तो फूल जा रहे थे, थोड़ा सा मटर थोड़ा सा पानी था तो यही बस अन्य ने ट्राई किए। तो उन बतासों की तरह तो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो काफ़ी हल्के होते हैं, ये थोड़े से कड़े हैं। और बाकी ठीक है बच्चों के लिए कि कभी उनका खाने का मन हुआ तो फटाक से तल दिए, और अगर मटर नहीं अवेलेबल है तो जल्दी से आलू वगैरह अगर रखा है तो वही बॉयल करके और जलजीरा पानी बना दिया तो बच्चे खा लेंगे, तो इसी वजह से दीदी ने भिजवाए थे। तो ये देखिए इतने ये मैंने तले, और ये देखिए तीन ये ना नहीं फूल पाए क्योंकि मैंने तेज़ आँच में कर दिया था। तो बस यही इतना ही व्लॉग शूट किया मैंने, उसके बाद फिर डिनर बनाने लगे थे। तो कैसा लगा ये व्लॉग जरूर बताइएगा। और अन्य ने फादर्स डे के लिए कार्ड बनाया है, उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाती हूँ, बाकी फादर्स डे का वीडियो आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।